दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत पसंद होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी को बहुत जल्दी लाइट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा था कि हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं लेकिन हम हर्बल लाइफ को भी कंबाइन करना चाहते हैं, तो आपकी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को और इंटरमीडिएट फास्टिंग को कंबाइन कर सकते हैं ताकि आपको वेट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। इंटरमीडिएट फास्टिंग का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? एक तो आपको वेट लॉस तो बहुत अच्छा होता है, दूसरा इस प्लान को फॉलो करने के दौरान आपको बहुत हैवी वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में कम कैलोरीज जा रही होती है। तो स्पेशली ये प्लान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस प्लान में आपको एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए, बट हाँ, अगर आपने 20-25 मिनट भी वर्कआउट कर लिया तभी भी इसमें मोर देन इनफ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम सबसे पहले समझेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है, दूसरा आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगेंगे इस प्लान को फॉलो करने के दौरान, तीसरा आपका लाइफस्टाइल और आपका रूटीन कैसा होगा, चौथा आपको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा, हाँ बहुत कम करनी है बट क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, एंड पांचवा लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कब तक फॉलो करना, कैसे फॉलो करना, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करना आपको अच्छा लगता है तो आइए शुरू करते हैं इस प्लान को समझना। लेकिन एक चीज़ है, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग होता क्या है। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और वो कॉन्सेप्ट है उपवास का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है रोज़ा का कॉन्सेप्ट। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग यू ना उपवास रखते होंगे, रोज़ा रखते होंगे। जब आप उपवास रखते हैं, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी कितनी लाइट हो जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैंने तो 3-4 दिन का उपवास रखा, मेरा 1.5 kg, 2-3 kg तो वेट ऐसे ही चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उपवास रखते हो आपकी बॉडी लाइट हो जाता है, आपका वेट लॉस हो जाता है। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से उदय हुआ है। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा खाते हैं और थोड़ा उपवास रखते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो आपको बहुत अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट्स आपको दिख जाते हैं। सो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि आप थोड़ा उपवास रखते हैं, थोड़ा खाते हैं और आपको बहुत अच्छे लाइटनेस फील होती है, आपको वेट लॉस के रिजल्ट दिखाई देते हैं। सो अगर एक्चुअल में इस इंटरमीडिएट फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को आपको मैं डिज़ाइन करूं तो ऐसा होता है कि इसमें आप 8 घंटे खाते हैं। दिन भर में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से सिर्फ आपके पास 8 घंटे का पीरियड होता है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वो 8 बजे से लेके 3-4 बजे तक का हो सकता है, या फिर वो 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का हो सकता है। तो कोई भी 8 घंटे आप सिलेक्ट कर लेते हो, उसमें आप खाना खाते हो, एंड बाकी के जो 16 घंटे होते हैं 24 घंटे में से दिन भर के, उसमें आप कुछ भी नहीं खाते सिवाय पानी के। तो ये इसी पर आधारित होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। श्योर दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। सो टोटल मिला के अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको टोटल 5 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपको जरूरत पड़ेगी एक अफ्रेश की, जो कि आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जिंजर, तुलसी, लेमन, कश्मीरी कावा, सिनेमन, पीच, जो आपको ठीक लगे। फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक शेकमेट की, एक पर्सलाइज प्रोटीन पाउडर की, एक फॉर्मूला 1 की और एक मल्टीविटामिन की। सो इस तरीके से जो है आपको टोटल ये 5 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला 1, प्रोटीन, अफ्रेश, शेकमेट और मल्टीविटामिन। तो अब हम बात करेंगे कि आपका डाइट प्लान और आपका रूटीन किस तरीके से होगा। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो दो सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो आवर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एक जो होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 घंटे का जो है आपके पास एक विंडो पीरियड होता है जिसमें आप खाना खा सकते हैं या नाश्ता कर सकते हैं। तो एक होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, टोटल हो गए 8 घंटे। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो एक पीरियड तो ये है, अगर आपको सुबह बहुत भूख लगती है तो आप ये वाला पीरियड जो है फॉलो कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। या फिर जनरली जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग को, वो है दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। आई थिंक 80-90% लोग दोपहर 12 बजे से लेकर 8 बजे तक वाला फॉलो करते हैं। तो ये दो पीरियड हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। या तो आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खाना खाओगे, मतलब पूरा नहीं खाना है, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे खाना है, आपका रूटीन क्या रहेगा, या फिर आप दोपहर 12 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप डाइट को प्लान करके खा सकते हैं। तो मैं जो आज की इस वीडियो में आपको प्लान बताने जा रहा हूँ वो 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का है। जनरली बहुत सारे लोग इसी दौरान खाते हैं सबसे ज़्यादा। वेल, अगर आप सुबह भी खाना चाहते हैं तो आप इसी प्लान को अपने हिसाब से रेप्लिकेट कर सकते हैं वहाँ पर। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया कि भाई सुबह कैसे लेना है, कब लेना है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम अवेलेबल होगी जो आपको गाइड कर देगी, या फिर हम आपको एक बेसिक सा प्लान प्रोवाइड कर देंगे।
ऑलराइट चलिए शुरू करते हैं 12 बजे से लेके 8 बजे तक, क्लियर हो गया? अब मैं आपको इस अकॉर्डिंग प्लान बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट कैसा रहेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शायद पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपकी स्लीप पूरी होनी चाहिए। कोशिश करो कि आप रात को जल्दी सो सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करो कि 11:30 के बाद नहीं सो, 11:30 के पहले ही आप अपने बिस्तर पर पहुंच जाइए, सो जाइए, मोबाइल को दूर रख दीजिए। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कत होंगी और फिर आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि सुबह रात को आप जल्दी सो जाएं ताकि आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उठ जाएं। मैं मान के चलता हूं कि 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में सभी लोग उठ जाएंगे। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो है 2 ग्लास गर्म पानी पीना है या गुनगुना पानी आप लेंगे। वैसे भी ठंडी का सीज़न है तो आई एम श्योर कि आप सभी लोग गर्म पानी ही लेते होंगे। उसके बाद 3rd ग्लास आपको फिर से एक और गर्म पानी लेना है एंड उसमें 1 से 2 चम्मच आप शहद ऐड करें। अब आप कहेंगे भाई ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कौन सा तरीका है, ये हमारी मजबूरी है इसलिए हम यहाँ पे शहद को ऐड कर रहे हैं। तो आप जब 3rd ग्लास लेंगे, आप ये बात भूल जाइए, आपको 3rd ग्लास लेना है, उसमें भी गर्म पानी आपने ऐड कर दिया एंड उसमें 1 से 2 चम्मच आप शहद ऐड कर दोगे जो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग रहेगा। 1 चाहिए तो आप 1 लो, 2 चाहिए तो आप 2 ले लो एंड फिर उसको मिक्स करके आप स्टर करके पी जाएं। इसके बाद आप फ्रेश फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए एंड फिर मैं मान के चलता हूँ कि 8 बजे तक आपका नहा धोकर फ्रेश फ्रेश होकर हो गया होगा एंड 8 से 8:30 के बीच में आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शायद ये आवाज़ आ रही है, आपको जो है फिर एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। और एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे ये मैं आपको इसके इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। देखिए दोपहर तक तो आप लोग कुछ भी नहीं खाने वाले हैं क्योंकि हम लोग 12 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में ही खाने वाले हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे जो कि हम आपको आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं अपने मील का, हमारे डे का जो सबसे पहला मील होगा वो होगा 12 बजे, ठीक है? तो अब ये मील कैसा होगा ज़रा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ ऐड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जो हो स्टार्ट करोगे हाफ बाउल स्प्राउट्स के साथ। कैसे? हाफ बाउल स्प्राउट्स के साथ। देखिए अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के लिए खाने वाले हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, फाइबर भी मिल जाए, विटामिंस मिनरल्स भी मिल जाए ताकि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला आप हाफ बाउल स्प्राउट्स के साथ शुरू करोगे, फिर कोई भी 2 चपाती आप ले सकते हो, या तो आप मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हो या फिर आप चाहो तो होल ग्रेन चपाती जैसे कि रागी की, मक्के की, बाजरे की, ज्वारी की आप चपाती ले सकते हो। अगर ये चपाती आपके पास नहीं भी है तो आप गेहूं की चपाती भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मल्टीग्रेन या होल ग्रेन की चपाती है तो बहुत अच्छी बात है। उसका क्या रीज़न है वो तो मैं कई दफ़ा वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो वेट लॉस के लिए ये चीज़ आप ज़्यादा प्रेफर करो। साथ में कोई भी घर में जो बनी हुई सब्जी है 1 कटोरी और आधा कटोरी अगर दाल अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में भर भर के सब्जियां अवेलेबल होती है, बीन्स है, गोभी है, पालक है, मटर हो गया, मेथी हो गया, तो जो भी सब्ज़ी आपके घर में बने वो आप सारी ही सब्ज़ी जो है उपयोग में ला सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 200 ml या तो आप छाछ ले सकते हो या कभी कभार, डेली नहीं कह रहा हूँ, कभी कभार आप चाहो तो आधी कटोरी दही भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका पूरा लंच होना चाहिए, लेकिन इस लंच में हम चावल नहीं लेंगे, बट हाँ अगर आपको कभी कभी मन है तो आप चावल भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका लंच होगा। क्या क्या होगा? पहले तो हाफ बाउल स्प्राउट्स हम लेंगे कंपल्सरीली, तो स्प्राउट्स आपको रात को भिगा के रख देना। फिर उसके बाद जो है आपके पास 2 चपाती है, कोई भी सीजनल सब्जी है और दाल है एंड कभी कभी छाछ या फिर आप दही भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका जो है पूरा लंच होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, देखिए क्योंकि ये आपके दिन भर का सबसे पहला मील है तो ये मील आपका बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ थोड़ा हैवी होना चाहिए लेकिन बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकदम से हैवी मील खा लोगे तो आपकी बॉडी फिर सुस्त पड़ जाएगी। अब आपको तो कहीं काम पे जाना होगा, कोई जॉब पर होगा, कोई हाउस मेकर, कोई महिला होगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पेट का कम से कम 10% हिस्सा बच जाना चाहिए ताकि वो जो फूड आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। एकदम भर के मत खा लीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका पहला मील, 12 से 12:30 के बीच में आप अपना पहला मील ले लें। इसके बाद आपको जब भी प्यास लगे 30 मिनट बाद 15 मिनट बाद अच्छे से पानी वानी पीते रहिए। 2 बजे आपको फिर पहले क्या लेना है आपका अफ्रेश, आपके पास जो भी फ्लेवर अफ्रेश है सिर्फ 1 ही चम्मच लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, उन्हें लगता है यार 1 चम्मच अफ्रेश से क्या होगा, ये बहुत पावरफुल है, 1 ही चम्मच अपने आप में बहुत काफ़ी है। तो 2 बजे आपको 1 ग्लास लेना है अपना, उसमें 1 चम्मच आपने अफ्रेश डाल दिया, दैट्स इट। उसमें 200 से 300 ml आपने गर्म पानी ऐड कर दिया और आपका अफ्रेश तैयार हो गया। फिर उसके बाद आप पानी वानी पीते रहिए। 4 से 5 बजे के बीच में आपको बहुत खाने की भूख लगेगी बिकॉज आपने बहुत हैवी मील नहीं खाया था, तो 4 से 5 बजे के बीच में हम थोड़ा सा हैवी स्नैक्स जो है लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ 6 से 7 ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, आवाज़ जारी होगी उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो 6 से 7 ऑप्शंस हमने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं जो कि हेल्दी हैं, अच्छे भी हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे।
सबसे पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास क्रिस्पी चिकपीस, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही नरिशिंग ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, नहीं तो इसकी लिंक हम आपको दे देंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पॉपकॉर्न, अगर आप ऑफिस में हैं कहीं तो आप ये ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं, पॉपकॉर्न के साथ आप योगर्ट प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास मखाना चाट, इजीली बन जाता है, 2 से 3 मिनट में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चौथी चीज़ है आप लोगों के पास जैसे चना जोर होता है या मूंग जोर होता है, वो भी आप ले सकते हैं साथ में, अगर छाछ हो तो छाछ भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो कोई भी फ्रूट जूस इसके साथ ले सकते हैं। पाँचवीं चीज़ है अगर आपको कुछ हैवी खाने का मन हो रहा है तो आप चाहो तो इडली या डोसा या फिर पोहा को भी प्रेफर कर सकते हो। सातवा ऑप्शन, इस सीज़न में हमारे पास गाजर का हलवा बहुत अच्छा होता है या फिर शक्करकंदी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ लाइट खाने का मन हो रहा है, कुछ हल्का फुल्का मीठा खाने का मन हो रहा है तो आप पपाया या कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। तो ये आपके स्नैक्स के ऑप्शन है, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप इन्हें कभी भी प्रेफर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारे पास जो मल्टीविटामिन टैबलेट है, आपको सुबह खाना खाने के बाद यानी कि 12 बजे जब आपने आपका खाना खाया दोपहर का, जो भी हमारा पहला मील है जैसे आप लंच कह लो या जो भी कह लो, उस मील के बाद आपको एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेना भूलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टैबलेट आप लोगों को लेना है। तो ये चीज़ मैं भूल गया था, आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट मील की, जो कि आप 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में खाएंगे। देखिए, क्योंकि शाम को आपने 4 से 5 बजे के बीच में हेल्दी स्नैक्स खाए हैं अच्छे से, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत लाइट ऑप्शंस थे, अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, तो आपको बहुत तेज़ी से भूख नहीं लगेगी। तो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में जब आप आपका शेक बनाएंगे, शेक कैसे बनाएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला 1 की, प्रोटीन की और इस शेक मेट की, तो आपको ग्राइंडर लेना है, ग्राइंडर में जो है, या फिर अगर आपके पास शेकर हो, जैसा भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबल हो, आप वैसा करें। आपको ग्राइंडर में 2 चम्मच फॉर्मूला 1 के डालने, 1 चम्मच पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का डालना है और 1 चम्मच आपको डालना है शेकमेट का। हाँ, अगर आपको ज़्यादा भूख लगी तो आप 2 चम्मच के भी डाल सकते हो शेकमेट के। तो आपने डाल दिया और उस हिसाब से फिर आप उसमें पानी डाल दीजिए, 200 से 300 ml पानी आप डाल दीजिए। पानी का कोई ऐसा रेशियो नहीं है कि आपको इतना ही पानी डालना है, अगर आपको लिक्विड फॉर्म में पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड पीना पसंद है, जो शेक है वो कॉन्सेंट्रेटेड पसंद है, तो फिर आप कम पानी डालिए, इट्स ऑल अप टू यू, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला बहुत ज़्यादा कि ये हो गया वो हो गया। तो आपने आपका शेक जो है बना लिया, उसमें पानी ऐड कर दिया, उसको 10 से 15 सेकंड के लिए ग्राइंड कर दो, दैट्स इट, आपका जो शेक है तैयार हो गया। एंड जब आप ये शेक ले लोगे तो आप 2-3 घंटे के लिए फुर्सत हो जाएगा और फिर तो आप रात को सो जाओगे, तो आपको भूख का एहसास भी नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि शायद इनकेस इस शेक से अगर आपका पेट नहीं भरेगा तो आप या तो 1 कटोरी मखाना ले लेना या फिर आप 3 से 4 बादाम भी ले सकते हो, आई एम श्योर कि आपका पेट भर ही जाएगा, नो डाउट। इसके बाद फिर आपका अगले दिन का जो है फिर से शुरू हो जाएगा सेम। तो इस तरीके से आपका पूरा इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो है ये कोर्स रहेगा। और ये कोर्स कम से कम आपको कितने हफ्तों तक फॉलो करना है, देखो इस कोर्स को हम लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, साल भर में 1-2 बार इंटरमीडिएट फास्टिंग की जा सकती है, इससे बॉडी को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आप कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हो, आपकी बॉडी लाइट फील करती है, बॉडी में से जो भी विषैले तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं क्योंकि आपका डाइजेशन कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है। तो ये एक तरीके का उपवास है, तो इसके कारण हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली चीज़ें होती हैं, या फिर हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये उसे दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक इसे फॉलो करना है एंड साल भर में 1 बार कर लिया 2 बार कर लिया इनफ है। इस सेक्शन में हमने जो ये रूटीन बनाया उसमें आपको क्या कितना कैलोरीज मिल रहा है थोड़ा सा उसको ब्रेकअप करेंगे एंड साथ ही साथ आपका वर्कआउट क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 3 से 4 हफ्तों का ये प्लान आप लोग फॉलो करेंगे तो इसमें आपको वर्कआउट बहुत हैवी नहीं करना है, स्पेशली अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो फिर तो आपको बहुत हैवी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप खाना खाना पड़ेगा, तो अब वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सुबह खाना खा रहे हो तो ठीक है, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का फॉलो कर रहे हो या जैसा भी आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपके टाइम के हिसाब से ही वर्कआउट करना है। अब इस प्लान के मुताबिक आपको बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, इसमें आप सुबह हल्का फुल्का वर्कआउट कर लो अगर आप शाम को खा रहे हो। बात करते हैं कि आपका वर्कआउट रूटीन क्या रहेगा, मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो जिस तरीके से प्लान यहाँ पर आप लोगों को डिज़ाइन करके आपको बताया वो सुबह 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक है। अगर आप सुबह फॉलो कर रहे हैं, मतलब सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, तो आप उस हिसाब से इस प्लान को मॉडिफाई करना। अब क्योंकि आप लोग 12 बजे अपना पहला मील लोगे और अगर आप सुबह वर्कआउट करोगे तो आपको तो भूख लगेगी, तो इसलिए कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करोगे सुबह। सुबह आप 15 से 20 मिनट का बस सिंपल सा नॉर्मल सा वर्कआउट करोगे, जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हो, बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी है क्योंकि हमारा मेन एम तो वेट लॉस है और वेट लॉस करने के लिए जितना ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट होगा उतना अच्छा, बट यहाँ पे हमें बैलेंस बना के चलना। तो सुबह आप 15 से 20 मिनट के लिए, मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आप अपने गार्डन पे जाके वॉक कर लो, 4-5 चक्कर लगा लिए तो आपको अच्छा लगेगा,
ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो यू नो आपका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग बेस्ड वर्कआउट कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर लो बॉडी की या हल्का फुल्का योगा कर लो। या तीसरी चीज़, आप चाहो तो प्राणायाम कर सकते हो, हमारे पास प्राणायाम के सेट्स अवेलेबल हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, हालांकि उसके लिए छोटा मोटा आपको कॉस्ट देना पड़ सकता है, जो कि हम आपको गाइडेंस के फॉर्म में और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप ये तीन चार चीज़ें कर सकते हो। शाम को, क्योंकि आपने कुछ खाया हुआ है तो आपके पेट में है, तो शाम को 5-6 बजे अगर आपको टाइम मिलता है नाश्ता, मतलब जो आपने शाम का स्नैक्स लिया है या ब्रेकफास्ट कह लो, व्हाटएवर कह लो, तो उसके 1 घंटे बाद अगर आप थोड़ा बहुत हैवी वर्कआउट कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपके पेट में या फिर आपकी बॉडी के पास सफिशिएंट मात्रा में ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट से बर्न करने के लिए। तो और क्योंकि रात को आप शेक भी लोगे, तो आप चाहो तो शाम को हैवी वर्कआउट कर सकते हो, सुबह हल्का फुल्का आपने वर्कआउट कर लिया एंड इस हिसाब से आपका वर्कआउट रहेगा। तो वर्कआउट के लिए आप चिंता मत कीजिए, उसमें भी हम आपको सपोर्ट कर देते हैं कि आप क्या करो, कैसे करो, क्या क्या चीज़ें करो, तो ये आपका वर्कआउट रहेगा। लेकिन याद रखिए, थोड़ा बहुत तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचना कि हाँ ये प्लान फॉलो कर लिया तो इससे हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अच्छे शेप में रहे, मसल शेप में रहे, है ना, सब कुछ अच्छा रहे, तो आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए ना। आपको इस प्लान की कुछ खासियत बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि ये प्लान इतना खास क्यों है। देखो, इस प्लान की सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप वेट लॉस तो करोगे, मतलब आप खुद कैलोरीज देख लो। हमने 3 बार ही खाना खाया है, राइट? आप देखो, अगर आप दोपहर को अपना खाना खा रहे हो, 12 बजे जो आप अपना पहला मील लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी कैलोरीज खा पाओगे? 400, मैक्स 500, तो 500 कैलोरीज आप पकड़ के चलो। फिर आपने शाम को स्नैक्स लिया 4 से 5 बजे के बीच में, कितनी कैलोरीज गई होंगी? ऑलमोस्ट 300 या 350 कैलोरीज गई होंगी। रात को आपने शेक लिया, कितनी कैलोरीज गई होंगी? एक टाइम का जो शेक होता है उसमें आपको 150 से लेके 180 कैलोरीज मिलती है, चलो हम फिर भी उसको 200 पकड़ लेते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप कैलकुलेट कर लो 500, 300, 200, चलो हम 100-200 कैलोरीज और ऐड कर लेते हैं, मतलब आपकी बॉडी में मैक्स अगर आप इस प्लान के मुताबिक चल रहे हो तो 1200 कैलोरीज आ रही है। इसका मतलब ये तय है कि आपको वेट लॉस में रिजल्ट्स आने ही चाहिए। इनकेस हाँ, अगर आपको कुछ डायबिटीज़ है या फिर मीनोपॉज पीरियड चल रहा है तो उस वजह से रिजल्ट्स स्लो हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं जो सिर्फ अपना वेट लॉस करना चाहता है, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे वेट लॉस के रिजल्ट आएंगे, इसमें नो डाउट, क्योंकि हमारा डाइट भी अच्छा चल रहा है और हम कैलोरी डेफिशिएंसी में भी चल रहे हैं। एंड दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा लाइटनेस फील करोगे अपनी बॉडी में, वेट लॉस अच्छा फील करोगे, आप स्ट्रेस फ्री महसूस करोगे, बिकॉज जब हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स दूर हो गए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गया, तो आपका ब्रेन भी प्रॉपरली वर्क करेगा। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है आप लोगों को बता देनी चाहिए। सबसे पहला, आप जो ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो ये किसी कोच के गाइडेंस में ही फॉलो करना, क्योंकि आपको बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोच की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कहीं आप गलत कर रहे हो, किसी चीज़ का आपको नॉलेज ना हो, क्या एक्सरसाइज करनी, क्या प्रोग्राम फॉलो करना, कैसे करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, तो आपको इस चीज़ का जो है ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आप किसी कोच के गाइडेंस में ही इस प्रोग्राम को फॉलो करो। और आप चाहो तो हमसे भी सपोर्ट ले सकते हो, हम आपको न्यूट्रिशन को लेकर कैसे लेना है, क्या गाइडेंस आपको चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाँ, हम इसके लिए डेफिनेटली कुछ चार्ज लेंगे। वो चार्ज छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसमें आपको जो है 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जिसमें आपको डाइट प्लान दे दिया जाएगा, एक्सरसाइज के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, टाइम टू टाइम आपका वेट ट्रैक होता रहेगा, तो ये सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। तो 500 रुपीज़ में 3 महीने के लिए आपका सब कुछ हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि 500 आपने पे कर दिया तो हम आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, बट हाँ, टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करते रहेंगे, आप हमसे गाइडेंस लेते रहेंगे, वीकली बेसिस पर कंसल्टेशन आप लेना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 3 महीनों के लिए आई थिंक, मुझे लगता है 500 रुपीज़ वर्थ इट है। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी जो भी मैंने यहाँ पर आपको हबल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स बताए हैं, ठीक है, तो आप ये प्रोडक्ट अगर किसी कोच को जानते हो तो वहीं से लें। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, यहाँ पर फेक डुप्लीकेट होते हैं, और ये आप चाहें तो दूसरों के अनुभव से भी जान सकते हैं। मैं अपनी ग्रीड के लिए आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए कह रहा हूँ। मोबाइल अगर डुप्लीकेट आ गया चल जाएगा, लेकिन खाने की चीज़ जो आपकी बॉडी में जा रही है, अगर वो डुप्लीकेट आई तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए किसी कोच से ही परचेज़ करो। अगर कोई कोच नहीं मालूम तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन कैसे ले सकते हैं, आप कहाँ से ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएँ। वेल, अगर आप वो 500 वाला प्लान लेना चाहें तभी भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आप कंसर्न लेना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हम आपके स्वास्थ्य की और अच्छे बॉडी की और फिटनेस की कामना करते हैं।